अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब में व्यूअर्स। आज के लिए मैं एक न्यू नावल लेकर आई हूँ, शहर दिल, जिसकी राइटर हैं उमे मरियम। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। हवा थमी थी ज़रूर, लेकिन वो शाम जैसे सिसक रही थी कि जर्द पत्तों को आंधियों ने अजीब किस्सा सुना दिया था कि जिसको सुन के तमाम पत्ते सिसक रहे थे, बिलक रहे थे, जाने किस साने के गम में। शजर जड़ों से उखड़ रहे थे, बहुत तलाशा था हमने तुमको, हर एक वादी हर एक रास्ता, कहीं से तेरी खबर ना आई तो ये कह के हमने दिल को टाला। हवा थमेगी तो देख लेंगे हम इसके रास्ते को, ढूंढ लेंगे, मगर ये खुश ख्याली जो हमको बर्बाद कर गई थी। हवा थमी थी ज़रूर, लेकिन बड़ी ही मुद्दत गुजर गई थी। सरसब्ज़ लॉन में मौजूद दरख्तों के पास सूरज धीरे धीरे गुरूब हो रहा था। एक और दिन तमाम तर मसरूफियात उलझनों समेत पर्दा मगरब में डलने जा रहा था। उसके अंदर भी रुखसत होती इस शाम में वीरानी पंजे गाड़ कर बैठ गई थी। कल शाम जब वो लॉन में केन की कुर्सी पर बैठी हैंडसेट कानों पर चढ़ाकर म्यूज़िक एंजॉय कर रही थी, पापा की गाड़ी गेट से अंदर दाखिल हुई थी। उसने सरसरी सी निगाह डाली और फिज़ा का बेकिया हुआ केक खाने में मशगूल हो गई थी। पापा इनकी सिमत आने के बजाय गाड़ी से निकलकर सीधे अपने बेडरूम में चले गए थे। ये कोई ऐसी चौंका देने वाली बात तो नहीं थी कम अज़ कम उसके लिए, मगर मामा ज़रूर परेशान हुई थी जब भी अपना चाय का मग छोड़कर खुद भी उनके पीछे चली गई थी। मुझे लगता है कोई प्रॉब्लम है, फिज़ा ने उठकर उसके सर से हेडसेट उतार कर रखते हुए अपनी तशवीश का इजहार किया था। ईमान ने खफकी से उसे देखा और नफ़रत से सर झटक दिया था। तुम पाकिस्तानी हवाम होने का पूरा पूरा सबूत दिया करो, हर बात में तशवीश, हर बात में घबराहट। वो फितरतन बेनियाज थी और कुछ बेहिस भी, ये दूसरा खालिस्तन फिज़ा का ख्याल था। फिज़ा के साथ मामा भी कुछ दिनों से पापा को परेशान महसूस कर रही थी, मगर मामा के खरीदने पे भी उन्होंने कुछ बताकर नहीं दिया था सवाए इसके कि ऑफिशियल प्रॉब्लम है। वो पिछले कई दिनों से बहुत परेशान थे और अपना इसराब ज़ाहिर करने से गरेजा थे, मगर ये भी सही था कि इनकी परेशानी इनकी हर अदा से झलकती थी और वो रातों को सोचें पार रहे थे। नाश्ता खाना मामूल से कहीं कम होकर रह गया था, गुमसुम अपनी सोचों में खोए हुए। कोई उनसे बात करता तो वो जूम उड़ा बड़बड़ाते, गर्ज़ वो परेशान थे और परेशानी की नौयत बहुत संगीन थी, ये अंदाज़ा उनको समझने वाला बासानी लगा सकता था। मैं देखूं अंदर जाके, शायद पापा की तबीयत ठीक ना हो, फिज़ा की बेचैनी अरूज पे जा पहुँची। ईमान ने उसे घूर कर देखा था। मामा के आने का तो इंतज़ार करो, सब्र तो तुम में है ही नहीं, वो इत्मीनान से कबाबों से इंसाफ कर रही थी। फिज़ा गहरा सांस खींच कर रह गई, मगर जब खासी देर तक मामा भी मोबाइल नहीं आई तो फिज़ा का जब्त जवाब देने लगा। वो उठी थी और आहिस्तगी से चलती अंदरूनी हिस्से की जानेब बढ़ गई। ईमान की पुकार को नज़रअंदाज करते हुए ईमान को इसकी इस बेतबाई पे गुस्सा सा आया था, मगर कंधे उछकार कर वो अपने गोद में रखे सेल फोन की सिमत मतवजो हो गई, जिस पे इसकी फ्रेंड नेहा का मैसेज आ रहा था। नेहा उससे कल कॉलेज आने पे ना आने के मतलब, आने या ना आने के मतलब पूछ रही थी। वो उसे जवाब लिखने बैठ गई, मैं नहीं आऊँगी, तुम भी मत आ जाना। क्यों, कल तुम डोली चढ़ रही हो क्या, आराम से चली आओ वरना अगवा करवा लूँगी। नेहा ने अगले ही लम्हे फिर तड़ा बड़ा मैसेज भेज दिया। वो पढ़कर मुस्कराने लगी, बेचैन रूह हो तुम, बहरहाल डोली ना भी चढ़ना हो, मैं नहीं आ रही, हमें एग्ज़ाम की तैयारी के लिए कहा गया है, फिर कॉलेज जाके जग मारने की क्या ज़रूरत है। और ये घर पे म्यूज़िक सुनकर, मूवीज़ देखकर, मर्दों से शर्ट बांधकर सोकर तुम जितनी पढ़ाई कर रही हो मुझे सब पता है, नेहा ने उसे कर ली थी और अब बरस रही थी। वो जवाबन हंसने लगी, तुम्हें तो पता है थोड़ा बहुत पढ़ कर भी टॉप कर लेती हूँ, तुम्हारी तरह कोड़ मज़ग नहीं हूँ, बको मत, मुझे अशर से मिलना है, बस तुम आ रही। नेहा के लहजे में दोस्त भरी तड़ी तड़ी थी। वो चिलबला उठी, फिर तो हरगिज़ नहीं आऊँगी, सख्त जहर लगता है मुझे तुम्हारा वो माइकल जैक्सन।
उसे सूखा सड़ा बांस सा अशर एक आंख नहीं बाता था, मगर नेहा उससे ज़्यादा इसकी शायरी पर रच के ही थी। अशर का दावा था वो आने वाले वक्तों में बहुत बड़ा शायर बनने वाला है। बकवास मत करो, खबरदार जो उसे कुछ कहा हो तो। नेहा तवक्को बड़क उठी, वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी। उसे चिड़ा कर ईमान को हमेशा ही बहुत लुत्फ आया करता था। अगर तुम्हारी ये फजूल गोई ख़त्म हो गई हो तो मेरी भी सुन लो। फिज़ा तकरीबन पिछले 5 मिनट से इसके सामने खड़ी गोया इसकी तवज्जो की मंतज़र थी। बिला आखिर तलखी से बोली, ईमान ने एक निगाह गलत अंदाज से डाली और गुफ्तगू को समेटने की गर्ज से बोली थी, ओके नेहा मैं चलूँगी तुम्हारे साथ कल कॉलेज, क्या याद करोगी। किस सखी से पाला पड़ा है अंदाज एहसान जताने वाला था। नेहा खी करने लगी, कोई ज़रूरत नहीं है कल कॉलेज जाने की। फिज़ा ने उसे सेल फोन टेबल पर रखते देख कर किस कदर तलखी से कहा तो ईमान ने चूँक कर उसकी सूरत देखी, जहाँ खफकी के साथ तलखी परेशानी का अक्स भी बहुत वाजिया था। गुस्सा किस बात पर आ रहा है, मामा ने डांट तो नहीं दिया। मैंने मना भी किया था इंतहाई गैर माकूल हरकत की मरतब हुई हो। मियाँ बीवी की पर्सनल गुफ्तगू को सुनने की कोशिश में वो गैर संदगी समेत मुस्कुराहट ऑटो में दबाए शरारती अंदाज में कह रही थी। फिज़ा ने बहुत जला झंझलाहट अमेज नज़रों से उसे घूरा था। फॉर गॉड सेक ईमान, कभी तो संजीदा भी हो जाया करो, उसने जैसे माथा पीट लिया था। ईमान ने मुंह बना लिया, कौन सा पहाड़ टूट पड़ा है आखिर, कुछ बताओ भी। पहाड़ तो वाकई ही टूटा है, अब जो बीतेगी वो मुझ पर अकेली पे नहीं बीतेगी। मामा का मूड सख्त ऑफ है, तुम सस्पेंस पिलाना मौकफ करो और मुझे असल बात बताओ। ईमान ने अब की मरतबा उसे टोक दिया था गुस्सा। फिज़ा ने एक मामूल किस्म की सांस भरी, फिर आस्ती से बोली थी, पापा को बिजनेस में किसी परेशानी का सामना है, ज़्यादा तफसीली मसाइल तो शेयर नहीं किए हमसे, बस ये कह रहे हैं हम लोग मामा समेत गांव चले जाएं और कुछ अरसा वहीं रहें। व्हाट गांव क्यों, वो ज़ोर से चीखी थी। पता नहीं, मुझे जितना मालूम हो सका तुम्हें बता दिया है, मामा बहुत अपसेट हैं। मुझे तो पापा ने बुलाकर अपनी पैकिंग करा करने का कहा है, कल हमें यहाँ से जाना होगा। फिज़ा बता रही थी और ईमान के अंदर भौंचाल से उठ खड़े हुए थे। ऐसी कौन सी क़यामत आ गई है आखिर के हम यहाँ नहीं रह सकते, ताऊ जी के घर क्यों रहे हम आखिर। इम्पॉसिबल, मैं खुद पापा से बात करती हूँ, वो तन फतन करती उठ गई थी। मगर पापा से बात करने का भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ था, वो सूरत से ही इतने परेशान लग रही थी कि वो कुछ और उलझ गई थी। मुख्तलिफ सवाल पूछ डाले जिनके आधे अधूरे गैर मुतमिन जवाब मिले थे, वो ज़हनी हलचल का शिकार होने लगी। आप जानते हैं पापा मेरे लिए वहाँ रहना किस कदर दुश्वार होगा, वो उदास सी होने लगी थी। आई नो बेटा, अब मगर मैं कोशिश करूँगा हालात जल्द संभाल सकूँ, फिर मैं आपको वापस बुला लूँगा। उन्होंने अपनी बेहद चहेती बेटी को एक ऐसी तसल्ली दी जिस पर उन्हें खुद भी यकीन नहीं था। मेरी स्टडी बहुत मुतासर होगी, मैं वहाँ पर नहीं पाऊँगी। ताऊ जी के घर का माहौल बहुत अनकम्फर्टेबल है, इसके पास का लातादात जवाज थे। बेटा अभी आप कॉलेज से फ्री हो, एग्ज़ाम के दिनों में आपको शहर बुला लूँगा। उन्होंने फिर उसे डारस दी थी, अपने पापा की मजबूरी का ख्याल करो बेटा, पापा ऑलरेडी बहुत अपसेट हैं, प्लीज़। उन्होंने जितनी हिम्मत से ये बात कही थी फिर भी वो उनसे सख्त खफा हो गई थी। रात भी उसने खाना नहीं खाया था और अब नाश्ता करने को भी नीचे उतर कर नहीं आई थी, हालांकि पापा ने मुलाजमा को भेजा था। मुझे भूख नहीं है, उसने रूठेपन से कह दिया। उसका ख्याल था पापा हमेशा की तरह उसे मनाने आएंगे, मगर ऐसा नहीं हुआ। इसकी खफकी कुछ और बढ़ गई थी। नाजनीन और अर्तजा शाह की मोहब्बत की शादी थी। अर्तजा शाह गांव का सादा मजाज सा लड़का था, जिसे अपनी सादगी की बिना पर अपनी बेबना वजाहत और खूबसूरती तक का भी एहसास नहीं था, मगर नाजनीन को उसकी यही खूब रूही भाग ही थी। अर्तजा की सिमत पहला कदम उसी ने बढ़ाया था और ये फासले मिलते चले गए थे। दोनों की तालीम मुकम्मल हुई तो मोहब्बत इस इंतहा पे जा पहुंची थी जहां जुदाई का तसव्वुर बहुत जानलेवा हुआ करता है। नाजनीन किसी भी कीमत पे अर्तजा को खोना नहीं चाहती थी, अपने वालदेन की अखलौती औलाद थी, बहुत ज़्यादा अमीर नहीं थी मगर खाते पीते लोगों में शुमार होता था। तुम अपने पेरेंट्स को भेजो मेरे घर,
नाज़रीन के इसरार पे इर्तज़ा ने झिझकते हुए अम्मा पे अपनी पसंद जाहिर की थी और अम्मा जो अपनी बांझी के लिए सोचे बैठी थी इतना घबराई के रोने पे बैठ गई। ऐसे में बाबू आगे बढ़ाई थी उनकी मदद को। बाबू जो अम्मा की भांजी और नाहिद की बड़ी बहन थी, परेशान मत हो अम्मा, अम्मा को मैं समझा लूँगी, अल्तजा पढ़ लिख गया है उसे लड़की भी इसके मुताबिक ही सजेगी। ये क्या बात हुई, मैंने तो नाहिद, अम्मा हमें अपने बच्चों की खुशी का ख्याल रखना चाहिए, नाहिद के लिए भी रब सोना कोई बेहतर फ़ैसला ही करेगा। वो मामला जो गंभीर हो सकता था बाबू की मुनरम तबीयत और मामला फहमी की बिना पर चुटकियों में हल हो गया था। बहुत शुक्रिया बाबू, अब मैं आपका एहसान कभी नहीं भूलूँगा। अर्तजा वाकई बहुत मशहूर हो गई थी। बाबू गोद में खेलते वलीद को कंधे से लगाकर थपकते हुए सांस पड़ी। कमले शुक्रिया तो गैरों का अदा किया जाता है, हम तो तेरे अपने हैं। और ये बात उसमें बात महज कही नहीं थी, निभा भी रख दी थी। अर्तजा को अक्सर ऐसा लगता जैसे बाबू मुस्तफ़ा भाई से भी ज़्यादा उन सब से मोहब्बत करती हैं। मुस्तफ़ा भाई तो सारा दिन खेतों पे गुजारते थे, बाबू ही अम्मा और उस अबे के साथ प्यार करती और जिस तरह का इनका सलूक था दोनों ही बहू की तारीफ़ों में रतवल लिसान रहा करते थे। अर्तजा की शादी पे अम्मा और अबे और भाई के साथ है बाबू ने भी दिल खोल कर अरमान निकाले थे, मगर नाज़रीन चंद दिन के बाद ही उकता गई थी। अर्तजा से वापस शहर जाने का मतलबा कर दिया था। चलेंगे बाबा, अभी कुछ दिन तो यहाँ रहूँ, सब क्या सोचेंगे। अर्तजा के समझाने पे वो अथे से उखड़ने लगी थी। क्या सोचेंगे, सबको पता है मैं यहाँ नहीं रह सकती, मगर कुछ दिन तो, कुछ दिन भी नहीं, देखो कितनी गर्द है यहाँ, मुझे एलर्जी है गर्द से, स्किन देखो मेरी चंद दिनों में कैसी रफ़ हो गई है। अर्तजा में तुम्हारी बाबू की तरह गाँव की औरत नहीं हूँ जो तीन बच्चों के साथ जानवरों और घर की भी देखभाल कर लेती हैं। नाज़रीन के लहजे में अकारत के साथ साथ तस्गी भी दर आई थी। अर्तजा को बाबू के लिए इसका ये लहजा पसंद नहीं आया था और शादी के महज पाँचवें रोज़ उनकी पहली लड़ाई हो गई थी, जिसके नतीजे में इस वक्त बैग तैयार करके नाज़रीन जाने को तैयार हो गई थी। ये क्या कर रही हो नाजो, पागल हो गई हो क्या, अर्तजा सूरत हाल को बिगड़ते देखकर बुखला गए थे। तुम्हें मुझसे ज़्यादा अपनी बावज का ख्याल है, रहो इसके कोटे से लगकर, उन्होंने पकार कर कहा था। अर्तजा इसकी बुलंद आवाज़ पे बुखला गए और उठकर कमरे की दबाई खिड़की बंद की। आहिस्ता तो बोलो, और इतनी अच्छी हैं, तुम्हें पता है कि उन्हीं की वजह से हमारी शादी, क्यों आहिस्ता बोलो, मैं तुम्हारी तरह ना बुजदिल हूँ, ना किसी से डरती हूँ और ना इनका एहसान होगा कोई तो वो तुम पर होगा, समझे, मैं बिल्कुल लिहाज नहीं करूँगी, वो पहले से ज़्यादा बुलंद आवाज़ में पकार कर बोली, जिससे ये हुआ कि उस अबे के साथ अम्मा और बाबू ने भी बहुत कुछ सुन लिया था, मगर किसी ने भी इर्तजाज़ से कुछ ना कहा। अम्मा ने बहुत सजाओ से बात की थी और खुश दिली से उन्हें शहर में जाने की इजाज़त देकर रुख्सत कर दिया था। अर्तजा के दिल में ये बोझ था, शहर में उन्होंने कारोबार शुरू किया तो पैसे की ज़रूरत पेश आई थी, जिस फैक्ट्री में वो मैनेजर थे उसके ओनर का अचानक इंतकाल हो गया था। इसका बेटा फैक्ट्री को औने पौने बेचकर खुद इंग्लैंड जाना चाह रहा था। अर्तजा चाहते थे ये फैक्ट्री वहीं खरीद लें। उन्होंने मुस्तफ़ा भाई से बात की तो उन्होंने अपने पास जमा शुदा पैसे दे दिया, मगर वो बहुत कम था, बैंक से लोन लेकर भी पूरी नहीं पड़ रही थी। तब मुस्तफ़ा भाई ने ज़मीनों से इनका हिस्सा उन्हें दे दिया था, जिसे बेचकर उन्होंने फैक्ट्री ख़रीद ली थी। फिर तो गुजरते दोनों के साथ इनके हालात बदलते चले गए थे और इसी हिसाब से नाज़रीन का नखरा भी, खुद तो वो गांव का जाती ही नहीं थी। अर्तजा शुरू शुरू में दोनों बच्चों के साथ चक्कर लगा आते। अम्मा का इंतकाल हो गया था, अब्बा कभी कभार एक आध दिन को आ जाते, मगर नाज़रीन का रवैया ऐसा था कि अब्बा तो अब्बा, मुस्तफ़ा भाई और बाबू ने भी आना बहुत कम कर दिया था, अगर मुस्तफ़ा भाई आते भी तो अर्तजा से आफिस में ही मिलकर चले जाते। वक्त कुछ और आगे सरक गया, बच्चे बड़े हो गए थे। अर्तजा अपनी बेताशा मसरूफियात के बायस से गाँव के लिए वक्त ही ना निकाल पाते। मुस्तफ़ा भाई मौसम का फल और सब्ज़ियाँ वगैरह बाकायदगी से भेजा करते तो साथ में खालिस देसी घी, मक्खन, मकई का आटा, साग वगैरह भी होता। नाज़रीन हर मरतबा इन सौगात को पाकर नाक मुँह ज़रूर चढ़ाया करती।
सौ बार मना किया है मत भेजा करें, मगर अजीब ढीठ लोग हैं, बाजी नहीं आते। मामा किसी की मोहब्बत को ऐसे बेरुखी और नहोकत से नहीं ठुकराते, मुझे तो ये सब कुछ बहुत अच्छा लगता है। फिज़ा जी जान से सारी चीज़ों को स्नेह का रखते हुए कहा करती, और मामा का मूड सख्त ऑफ हो जाता कि इनकी इस बेटी का मिजाज और आते बिल्कुल अपने बाप जैसी थी। जैसी तड़प इनके अंदर थी अपने रिश्तों की, वैसी ही कदर फिज़ा के दिल में थी। तो अब की बात तुम्हारे ताओ लेकर आए तो कह देना, इतनी ही देकर जया करें जितना तुम दोनों बाप बेटी खा सको। मैं और एमी तो मुंह भी नहीं लगाती इन फजूल चीज़ों को, वो अनियत से कहती, और फिज़ा मुंह ही मुंह में अस्तगफुरुल्लाह पढ़ने लगती। उसे अक्सर खौफ आता मामा के गुरूर से। आपको क्या पता ये सारी चीज़ें भी कम पड़ जाती हैं, मेरी सारी फ्रेंड्स को साग मकई की रोटी, मक्खन मकई और गन्ने वगैरह कितने पसंद हैं, मांग कर लेती हैं मुझसे। मेरा तो कहीं बार जी चाहता है कि तौजी से और ज़्यादा की फरमाइश करूं। वो शौकी से आंखें निचाकर बोलती तो मामा उसे घूरती हुई उठ जाती, और अब जब वे अर्तज़ा ने ये मर्सदा सुनाया था कि उन्हें वहाँ जाके रहना है, तो उन्हें लग रहा था इनकी अना बड़ी बुरी तरह से मजरू हुई है। इनका अर्तज़ा से बड़ा ज़ोरदार झगड़ा हुआ था, मगर वो अपनी ज़िद और मौक़िफ़ से नहीं अटे थे। हार उन्हें मानना ही पड़ी थी, और इससे हार ने उन्हें बहुत शिकस्ता कर डाला था। तुम्हें मुझसे गिला क्या है, अचानक बेरुखी इतनी, बताओ तो हुआ क्या है, मनाओ किस तरह तुमको, मुझे इतना तो बतला दो। अगर अब हो सके तुमसे तो ये एहसान फरमा दो, मेरी मंजिल मोहब्बत है, मुझे मंजिल पे पहुँचा दो। तुम्हारी आँख में आंसू मुझे अच्छे नहीं लगते, तुम्हारे नरम ओठों पर गले अच्छे नहीं लगते, तुम्हारे मुस्कुराने से मेरा दिल मुस्कुराता है, तुम्हारे रूठ जाने से मेरा दिल रूठ जाता है। फिज़ा ने गुनगुनाते हुए इसके गले में अपने दोनों बाजू हायल कर दिए थे, जिन्हें अगले ही लम्हे उसने बहुत ज़ोर से झटक दिया और आंसुओं से जल थल आँखों में शिकायतें लिए उसे देखा। बात मत करो मुझसे, तुम तो बहुत खुश होगी। उफ, इतनी बदगुमानी फिज़ा कर आई, ये लपकते चिपकते पैकिंग करना, ये 16 सिंगार करके तैयार होना किस सीमत से इशारा कर रहा है, वो फूले हुए मुंह के साथ बोली, और फिज़ा ने कंधे उछका दिए। मैं किस्मत और आलात के शक्की होने के बजाय एडजस्टमेंट और राजी बारज रहने पे यकीन रखती हूँ। कहते हैं ना, अल्लाह के हर काम में हमारे लिए मसरीहत हुआ करती है। फिर भी देखो ना, इन सारे एडवेंचर में कितनी थल का एहसास है, गांव जाना, वहाँ रहना, और सुना है ताऊ जी के तीन बेटे भी हैं, हो सकता है हैंडसम भी हों और पढ़े लिखे भी, बिल्कुल कहानियों और नावल और फिल्मों की तरह। फिज़ा की खबासत और शरारत अरूज पे थी। ईमान ने उसकी बड़ाई का लिहाज रखे बगैर ताकर उसे कुशंज खींच मारा था। कितने ही इंसान और पढ़े लिखे हैं, मगर मेरा स्टैंडर्ड इतना नहीं गिरा। बहरहाल इसके लहजे में तकबर के साथ साथ बेतवाई और अपनी ज़ात का अज़म भी था। फिज़ा ठंडा सांस भर के खामोश हो रही। चलो मुझे ही बता दो, मैं तुम्हारी पैकिंग कर देती हूँ। वैसे पापा का खसूसी आर्डर है कि ढंग के कपड़े ही वहाँ पहन कर जाएँ। उसे आमादा ना देखकर फिज़ा को ही उठना पड़ा, मगर साथ ही गोया हाथ भी लगा दी। ईमान ने चूंकर उसे देखा, परेशानी पे नागवारी की बहुत वाजिया शिकने नमोदार हो गई थी। क्या मतलब है उनका इस बात से, वो किस कदर भड़क कर बोली थी। फिज़ा जो इसकी वार्डरोब खोले खड़ी थी, इसके कपड़े देखते हुए बोली थी, भाई सीधी सी बात है, पापा ने वहाँ तमाम गैर इखलाकी लिबास पहनने से मना किया है, सिर्फ शलवार कमीज ही ले जा सकोगी। फिज़ा की वजह पे ईमान ने ओंटों को बहम भेज लिया और ढूंढ ढूंढ कर अपने दुपट्टों वाले सूट निकालती फिज़ा को सुलगती नज़रों से घूरने लगी। तुम रहने दो, मैं ये काम खुद कर लेती हूँ, उसने दृष्टि से टोक दिया। हाय, इतनी जल्दी हार मान ली, कहीं कोई ख्याल ताओ जी के किसी इंसान बेटे का तो नहीं। फिज़ा के शोक लहजे में शरारती शरारत थी। ईमान का चेहरा एकदम गुस्से की सुर्खी से दिमक उठा। अब अगर तुमने ये फजूल बात दोबारा की तो मैं सचमुच तुम्हारा सर फाड़ दूँ बैठूँगी, वो बोली नहीं दाढ़ी थी। फिज़ा खाइब सी हो गई, इतना गुस्सा क्यों कर रही हो, अगर सचमुच तुम्हारे दिल ने तुम्हें दगा दे दिया तो ये फिताना ज़रा रह जाएगा।
वो आपकी मर्तबा किस कदर संजीदगी से गोया हुई थी, मगर ईमान का दिमाग घूम गया था। मुझसे कुछ कहे बगैर उसने फिजा का हाथ पकड़ कर बाहर धकेला था और ज़ोरदार आवाज़ के साथ दरवाज़ा बंद कर दिया था। फिजा की हंसी की आवाज़ इसका दिमाग सुलगाती रही थी। उसे कहना, गिले उन्हीं से होते हैं जो दिल के पास होते हैं, शिकायत उनसे होती है जो बेहद ख़ास होते हैं। मेरा तुझसे गिला करना, तुम्हें यूं ही दिलासा देना, खफा करना तेरी ताहीद के बदले खफा जफा करना मोहब्बत की अलामत है, ये उल्फत की अलामत है। मोहब्बत में कभी हरगिज़ उसे दिल पे नहीं लेना। उसे कहना, मोहब्बत की तवक्को उनसे होती है कि जिनसे उस आस होती है, गिले उनसे ही होते हैं जो दिल के पास होते हैं। ट्रेन की छकाछक, बच्चों का शोर, मुसाफिरों के कंपेल, फेरी वालों की पाटदार आवाज़ें कभी तो उसके ज्ञान दहान को नहीं तोड़ सकी थी। वो बेहद खफा है, बेहद रूठी हुई सी बैठी थी कि ट्रेन में होने वाले इस सफ़र ने इसकी खफगी, शिकायत और अफसुदगी को कितना बढ़ा दिया था। क्या पापा एकदम इतने क्लास हो गए हैं कि हमें गाड़ी में कौन ही बचा सके। इसके लातादा शिकों में एक और शिकवे का इजाफा हुआ था। खिड़की से खुद फेर कर वो आंसू भी बहा चुकी थी और इसके यही आंसू यकीनन किताब पढ़ती फिजा की जरीक निगाह की जद में आ गए थे कि वो उसे सुनाने को ये नज़म जरीला पढ़ने लगी थी। इसकी मध्यम आवाज़ पे ट्रेन की विसल कभी गायब हो जाती, कभी किसी बची जाने वाली चीज़ की तारीफ में तलब इंसान, इसके दुकानदार की ईमान भी कौन सा सुनना चाहती थी, जब भी बेरुखी से मुंह फेरे रही। फिजा ने एक नज़र उसे देखा, फिर अपने साथ लाया हुआ टिफ़न खोल लिया। गर्मा गर्म सैंडविच और समोसों की खुशबू बहुत सराहियत से डिब्बे में फैली हुई थी। फिजा ने प्लेट निकाल कर सैंडविच और समोसों के साथ केचप की बोतल भी निकाल ली। साथ में एक पेप्सी के टिन पैक के इसने इस किस्म की सूरत हाल में भी बड़े अहतमाम के साथ गोया उन्हें लंच पेश किया था। ईमान ने तो रूठेपन से इनकार कर दिया, अलबत्ता मामा मूड की खराबी के बावजूद खाने की तरफ मतवजो हो गई थी कि रात के बाद सुबह भी वो इस टेंशन में कि ढंग से कुछ खा नहीं सकी थी। मगर कब तक के पेट की तलब तो अपनी जगह थी। तुम भी खा लो ना, कब तक ये एहतजाज मनाने का इरादा है। फिजा ने साथ वाली सीट पर बैठी अपनी सिमत देखते हुए बच्चों को समोसे देते हुए नरमी और हलावत से उसे भी समझाया था, मगर उसकी तरफ से जवाब नहीं आया। एमी प्लीज़ खा लो ना, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है तुम्हारे बगैर, फिजा ने गोया मिन्नत की थी। इसने कहा, नहीं डरा। फिजा ने प्लेट रखी और इसके गिरदे अपने बाजू हल कर दिया, कब तक खफा रहोगी, तुमने कल से कुछ भी नहीं खाया है, मर लेने दो मुझे भूखे। इसकी जानब से सुलगता हुआ जवाब मौसूल हुआ था, वो भी भराई हुई आवाज़ में, अच्छा बस इस ऐसी खौफनाक बातें मत करो, हम कौन सा हमेशा के लिए जा रहे हैं। दुआ की थी सुबह मैंने, जो भी मसाइल हैं खुदा उन्हें जल्दी से सुलझा दे, हम फिर अपने घर वापस आ जाएंगे। फिजा ने नरमी और अलावत में दे समझाया तो इसकी आंखों से टप टिप आंसू बरसने लगे। फिजा का अपना दिल भारी होने लगा। वो जानती थी ईमान बहुत जज्बाती है, वो कभी गांव नहीं गई थी, गांव से उससे मामा की तरह ही चिढ़ थी, मगर अब पता नहीं ये इनकी आजमाइश थी या फिर मामा के ही तकब्बर की सज़ा के जिन्हें कभी किसी काबिल नहीं जाना था। हालात ने उन्हीं के दर पर लाबिट चढ़ा था। फिजा ने इधर उधर की बातों के दौरान उसे एक समोसा और सैंडविच खिला दिए। चाय पियोगी, पेप्सी के टिन की सेल तोड़कर उसे उसके हाथ में देते हुए इसने सवाली निगाहों से उसे देखा था। ईमान को भी इख्तियार ही इस पे टूट कर प्यार आ गया। कैसे वो माँ की तरह उससे उसका ख्याल रख रही थी, गो कि इसका जी नहीं चाह रहा था, मगर महज इसकी खातिर इसने सर को इस असबात में जंबश दी थी। और वाकई फिजा बहुत मुतमिन अंदाज में चाय मगों में निकालने में मसरूफ़ हो गई थी।